अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी एसटी ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था, रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं पंडित नेहरू का कोर्ट पढ़ रहा हूं। प्लीज प्लीज प्लीज। और आदरणीय सभापति जी, question was heard in rapt attention. Are you setting this example? Leader of opposition, आदरणीय सभापति जी, please sit down. Sit down. आप तो जानते हैं नेहरू जी ने जो कहा वो कांग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है। नेहरू जी ने कहा मतलब पत्थर की लकीर उनके लिए, दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें लेकिन आपकी सोच, ऐसे कई उदाहरणों से सिद्ध होती है। मैं अनगिनत उदाहरण देख सकता हूं लेकिन मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं और वह उदाहरण मैं जम्मू कश्मीर का देना चाहता हूं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के एससी एसटी ओबीसी को 7 दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा। आर्टिकल 370, मैं हम कितनी जीतेंगे उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल 370 को निरस्त किया तब जाकर के इतने दशकों के बाद एसटी एसटी ओबीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए थे, इसको रोक के रखा था। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उनको प्राप्त नहीं था। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। ये हमने 370 हटाकर ये अधिकार उनको दिए। हमारे एससी समुदाय में भी सबसे पीछे पीड़ित कोई रहा तो हमारा वाल्मीकि समाज रहा, लेकिन हमारे वाल्मीकि परिवारों को भी 7-7 दशक के बाद भी
जम्मू कश्मीर में रहे, लोगों की सेवा करते रहे, लेकिन डोमिसाइल का अधिकार नहीं दिया गया। ये है। और मैं आज देश को भी अवगत करना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में ओबीसी के आरक्षण का विधेयक भी कल 6 फरवरी को लोकसभा में भी पारित। आदरणीय सभापति जी, एससी एसटी ओबीसी उनको बड़ी भागीदारी लेने में कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया है वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी तब बाबा साहब को उठा। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ। और आदरणीय सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे। सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे। सर, ओनली द एड्रेस विल गो ऑन रिकॉर्ड। जो ओनली एड्रेस, नो, पिछले चुनाव में हुआ तो हुआ के लिए फेमस हो गए थे और कांग्रेस इस परिवार के काफी करीबी है। उन्होंने अभी अभी संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के उनके योगदान को छोटा करने का भरपूर प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव, उनको उम्मीदवार बनाया।